वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कल हमने पॉलीमर के बारे में किया था टॉपिक। आई होप यू हैव कम्प्लीटली नोटेड दैट टॉपिक एंड अंडरस्टूड दैट वेल। तो विद रिगार्ड आज हम उसका मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। फर्स्ट वन, थर्मोसेट क्या है? थर्मोसेट आर क्रॉस लिंक पॉलीमर, डू नॉट मेल्ट और सॉफ्ट ऑन हीटिंग। क्रॉस लिंकिंग इज यूजली डेवलप्ड एट टाइम ऑफ मोल्डिंग वेयर दे हार्डन। ऑल ऑफ दिस थर्मोसेट, ये हमने डिस्कस किया था। सेकेंड वन, ए कंडेंसेशन पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है? मेलामाइन, पीबीसी, पॉलीस्टायरीन, टेफलॉन। थर्ड क्वेश्चन, इंटर पार्टिकल फोर्सेज प्रेजेंट इन नाइलोन 66 आर, इनमें क्या फोर्सेज हैं? वंडरवाल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपल डाइपल इंट्रैक्शंस, नॉन ऑफ बब। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली एडिशन पॉलीमर, कौन सा ये सेट है एग्जाम्पल का चार ऑप्शन में से जो एडिशन पॉलीमर कंटेन करता है? पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, टायरिलीन, पॉलीइथिलीन, पीबीसी, एक्रालीन, बूना एस नाइलोन, पॉलीब्यूटाडाइन, बीके लाइट, पीबीसी, पॉलीइथिलीन। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर इलास्टोमर, इलास्टोमर्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर प्रोसेसिंग इलास्टिसिटी, पोजेसिंग इनकी इलास्टिसिटी होती है और सिंथेटिक होते हैं, पोजेस वेरी वीक इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमर चेन, वल्केनाइज रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। ऑल ऑफ दीज बताइए, यहाँ सभी ऑप्शन सही हैं या इनमें से एक है? क्वेश्चन सिक्स, पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, किसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं जो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिव एग्जांपल, नेचुरल रबर, टेफ्लॉन, नाइलोन 66, पॉलीस्टायरीन। सेवन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एडिशन को पॉलीमर, इनमें से को पॉलीमर एडिशन वाला नहीं है? सैरन, ब्यूना एन, SBR, पीबीसी। एट, एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल बायोपॉलीमर, टेफलॉन, नाइलॉन 66, रबर, DNA। सेलुलोज एसीटेट क्या है? नेचुरल रबर है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, प्लास्टिसीजर है। क्वेश्चन नंबर टेन, को पॉलीमर इनमें से कौन सा है? को पॉलीमर इज कॉल्ड विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, PMMA, पॉलीइथिलीन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पॉलीमेरिक कंपाउंड, SO2, CO2, CS4, PVC, बताइए। वंस अगेन रिपीट दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर शो ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, किस पॉलीमर का शार्प मेल्टिंग पॉइंट है? ब्यूटाइल रबर, पॉलीस्टायरीन, बेकेलाइट, नाइलॉन 66। क्वेश्चन नंबर 13, पेप्टाइड बॉन्ड इज की फीचर किसका है? पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत आसान है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन नेचुरल फाइबर प्रोड्यूसिंग पॉलीमर, नेचुरल फाइबर प्रोड्यूस करने वाला पॉलीमर यहाँ से कौन सा है जो नेचुरली बनता है? स्टार्च, सेलुलोज, नेचुरल रबर, नाइलॉन। पीबीसी किसकी एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इलास्टोमर फाइबर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंडेंसेशन होमोपॉलीमर, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, डेक्रॉन। क्वेश्चन 17, अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज किसमें है सबसे ज़्यादा? इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, इनमें से एडिशन पॉलीमर की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है? पॉलीथिलीन, पॉलीस्टायरीन, नियोप्रीन, टेरिलीन। 19, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, ब्यूना एस, बेकेलाइट, नाइलॉन 6, मिलामैक। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 20, पॉलीमर कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, पॉलीमर को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, ओरिजन, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सिंथेटिक पॉलीमर, कौन सा सिंथेटिक नहीं है, पॉली इथिलीन, पीबीसी, नायलॉन, सेल्फन। 22, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन द पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड, क्लासिफाइड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, एडिशन पॉलीमर ओनली, कंडेंसेशन ओनली, को पॉलीमर ओनली, एडिशन एंड कंडेंसेशन ओनली, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटीन फाइबर क्या है, वेजिटेटिव फाइबर, एनिमल फाइबर, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर। वंस अगेन रिपीट करिए दीज क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, अमंग सेलुलोज पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलोन एंड नेचुरल रबड़, द पॉलीमर इन विच द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन इज वीकेस्ट, सबसे वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स किस में है, नायलोन में, पॉलीविनाइल क्लोराइड में, सेलुलोज में, नेचुरल रबड़ में। 25, केमिकली प्योर कॉटन किसको कहते हैं, एसीटेट रायन, सेलुलोज, विस्कोज रेयन, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट फाइबर, लेनिन, सिल्क, जूट, कॉटन, एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेटेड फाइबर, विस्कोस रेयन, एसीटेट रेयन, क्यूप्रो अमोनियम सिल्क, ऑल ऑफ दीज। 28, सेलुलोज कॉटन इज बिल्ट ऑफ मैनी, सेलुलोज किसका बना है, सुक्रोज यूनिट का, ग्लूकोज यूनिट का, फ्रक्टोज यूनिट का और बी एंड सी, ये मैंने करवाया था आपको अगर याद हो सेल वॉल के बारे में। नेचुरल सिल्क क्या है, पॉलीमाइड, पॉली एस्टर, पॉलीस्क्राइड, लेनिन। सो दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम टाइप ऑफ पॉलीमर। नेक्स्ट वी हैज अ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किस टाइप की होती है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से। ए सिंथेटिक पॉलीमाइड प्रिपेयर्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऑफ कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम कोई मोनोमर है, उसको जब गर्म करते जाएंगे तो क्या बनेगा, नायलोन 66, नायलोन 6, नायलोन 610, ग्लिप्टल। 31, द मोनोमर्स ऑफ डेक्रन आर, डेक्रोन के पॉलीमर कौन है, ए के दो कॉम्बिनेशन, बी सी और डी, ये मैंने करवाई थी रिएक्शन, आपको रिएक्शन अगर याद होगी हमने जब ट्यूटोरियल किया था तो आपको पता चल जाएगा डेक्रन कैसे बनता है, तो आपको रिएक्टेंट अगर याद हो तो पता चल जाएगा यहाँ से। 32, द कैटलिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथिल बाय जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है, ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई थी मैंने स्पेशल इसके ऊपर, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड टाइफिनाइल एल्युमिनियम, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम आइसो परोक्साइड। 33, बेकेलाइट इज मेड फ्रॉम फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, द इनिशिएशन रिएक्शन ऑफ द टू कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब दोनों को स्टार्ट कराते हैं रिएक्शन को तो कौन सी रिएक्शन का टाइप है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एल्डोल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। 34, को पॉलीमर ऑफ आइसोबिटाइल एंड आइसोप्रीन कौन सा है, बिटाइल रबड़, ब्यूना एस, ब्यूना एन, थायोकोल, देखिए ध्यान से इनको। नेक्स्ट वी हैव 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, 35 में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ब्यूना एस इज को पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, नेचुरल रबर इज वन फोर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, इन वल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिजेस बिटवीन डिफरेंट चेन्स टेक रबर हार्ड एंड स्ट्रोंगर, तो उससे स्ट्रोंगर हो जाती है, नेचुरल रबर हैज ट्रांस कन्फिग्रेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, बताइए इनमें से गलत कौन सी स्टेटमेंट है। 36, क्लोरोप्रीन इज ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ HCl2, क्लोरोप्रीन कब बनते हैं, जब HCl के साथ किसको जोड़ते हैं, एसीटिलीन, विनाइल एसीटाइलीन, डाइविनाइल एसीटाइलीन, फिनाइल एसीटाइलीन। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड अनायनिक पॉलीमराइजेशन, अनायनिक पॉलीमराइजेशन में सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, ए बी सी डी, गो थ्रू देयर केमिकल फार्मूलाज एंड यू कैन गिव आंसर। 38, पॉली यूरीथेन्स आर पॉलीमर डैट कंटेन यूरीथेन मॉइटी एंड यूरीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन आइसोसाइनेट
विद एन, अमाइन, अल्कोहल, एस्टर, एसिड। तो यूरीथेन को कैसे ट्रीट बनाते हैं, आइसोसाइनाइड की किसके साथ रिएक्शन करके यूरीथेन बनता है। 39, कैप्रोलैक्टम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बेंजाइल एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन, बेंजोफिनोन, एडिपिक एसिड। 40, इन द आइसोप्रीन पॉलीमर ऑल द आइसोप्रीन हैव, आइसोप्रीन में क्या है, ट्रांस 1-4 कॉन्फ़िगरेशन, सिस 1-4, सिस एंड ट्रांस बोथ, नॉन ऑफ दिस। 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वल्कनाइज रबर इज ऑलमोस्ट 10 टाइम द रॉ रबर, इलास्टिसिटी ऑफ रॉ रबर इज वेरी हाई। तो करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है, 1 true, सेकेंड फॉल, 1 false, सेकेंड ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, वेरी इंपॉर्टेंट इट मे बी। 42, इन द बेकेलाइट रिंग द ज्वाइंट टू ईच अदर थ्रू, बेकेलाइट का आपको मैंने फार्मूला बताया था, उसमें लिंकेज कैसे बनी होती है, CH2O CC डबल बॉन्ड, वो बताइए। ये चार ऑप्शन दिए आपने, बेकेलाइट में कौन सी बॉन्डिंग पैटर्न देखा है, दिमाग में रिवाइज करिए, वो फार्मूला मैंने आपको बताया था बेकेलाइट का, एंड यू कैन गिव आंसर। 43, बेकमान रीअरेंजमेंट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ, बेकमान रीअरेंजमेंट किसको करवाती है, पैन, नायलोन 610, नायलोन 6, मेलामाइन। 44, विच रबर इज नॉट ए पॉली डाइईन, पॉली आइसोप्रीन, पॉली क्लोरोप्रीन, थाइकल रबर, नाइट्राइल रबर। 45, विच ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ABCD, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में सबसे रिएक्टिव कौन सा है। सो वंस अगेन रिपीट द क्वेश्चंस अप टू 45 व्हाट वी हैव डन, आई होप क्वेश्चंस आर फुली अंडरस्टूड टू यू एंड यू आर enjoying this tutorial. 46, which of the following pair is not correctly matched, terylene condensation polymer of terephthalic acid and ethylene glycol, teflon thermally stable cross link polymer of phenol and formaldehyde, perspex homo polymer or of methyl methyl cellulate, synthetic rubber co polymer of butadiene and styrene, bataiye। 46 में रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नियोप्रीन, नायलोन 66, टायरलीन, PMMA, ये पॉलीमर दिया साथ में इसका मोनोमेरिक यूनिट फार्मूला दिया, बताइए कौन सा गलत है। 46, 47 को फोकस करिए ध्यान से, साथ में 48 देखिए, बेंजोइल परोक्साइड इज ए रोल, हैज़ ए रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन पॉलीमराइजेशन, बेंजोइल परोक्साइड क्या कराता है, किसमें, कैटायनिक में, अनायनिक में, फ्री रेडिकल, नन ऑफ दीज। 49, इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर सल्फर एक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, सल्फर क्रॉस लिंक आर इंट्रोड्यूस, सल्फर फॉर्म ए वेरी थिन प्रोटेक्टिव लेयर ओवर रबर, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, वल्कनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। 50, विच आर द फॉलोइंग इज ए पॉलीमाइड, टेफलन, नाइलोन 66, टायरिलीन, बेकेलाइट। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुली फ्लोरीनेटेड पॉलीमर, कौन सा फुली फ्लोरीनेटेड पॉलीमर है, न्यूप्रीन, टेफलन, थाइकल, PBC। 52, बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, CH2OH2, CH3CHO, CH3COCH3। 53, ब्यूना एंड सिंथेटिक रबर किसका को पॉलीमर है, AB, देखिए ध्यान से दोनों को, रिएक्शन दिमाग में रख लीजिए साथ में, CND। 54, द मोनोमर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ PBC इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ HCl2 एसिटाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ H2 मर्करी टू पॉजिटिव साल्ट, क्लोरोइन टू एसिटाइलिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इथिलीन, क्लोरीन टू इथिलीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैनॉट बी ग्रुप्ड एज पॉलीअल्फिन, पॉलीअल्फिन में किसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीजेलिथिलीन। 56, पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन रिंग
प्रोपीन यूजिंग जिग्लोनाटा कैटलिस्ट एडवांटेजियस ओवर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। जिग्लोनाटा कैटलिस्ट इज मोर प्रेफरेबल इन पॉलीमराइजेशन फॉर द अल्कीन। वाई? इट लीड टू लिविंग पॉलीमर बाय अनायनिक पॉलीमराइजेशन। इट परमिट स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिजल्टिंग इन हाई क्रॉस लिंकिंग। इट गिव हाईली ब्रांच पॉलीमर विद ए हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। इट गिव लीनियर पॉलीमर मॉलिक्यूल परमिटिंग स्टीरियो केमिकल कंट्रोल। आई होप आई हैव गिवन द आंसर इन द ट्यूटोरियल फॉर द जिग्लोनाटा कैटलिस्ट। आई हैव अपलोड 3 months ago, तो यू कैन वेल अंडरस्टूड फ्रॉम डैट। 57. ऑल दो स्टायरीन अंडरगो बोथ कैटायनिक एंड अनायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वन मैथड इज ऑलवेज प्रेफर्ड विद सब्सटीट्यूटेड स्टायरीन। विच मैथड इज प्रेफर्ड विद? तो कौन सा मैथड स्टायरीन के साथ प्रेफर किया जाता है? रेडिकल, कैटायनिक, अनायनिक, नॉन ऑफ बब। 58. जो फार्मूला दिया किसी पॉलीमर का क्या है? ये नेचुरल रबर है, गुटा, पर्चा, न्यूप्रीन, पॉलीप्रोपाइलीन। 59. ए पॉलीमर फाउंड बाय कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी नायलोन 6 डेक्रन, नोवोलैक। आई हैव डन इट इन द ट्यूटोरियल। क्या है? लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड, क्रॉस लिंक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। रिपीट करिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव 61. करेक्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ पॉलीस्टरीन। इसके रिपीटिंग यूनिट कौन से हैं? ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए। 62. पॉलीमर विद हाईएस्ट सॉफ्टनिंग पॉइंट LDPE, HDPE, टेफ्लॉन बेकेलाइट। सब्सटेंस यूज्ड टू हार्डन द रबड़ फॉर टायर मैन्युफैक्चर। रबड़ को हार्ड करने में किसको यूज़ किया जाता है? बैक्स को। 1,3-ब्यूटाडाइन, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बन ब्लैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमाइड? नायलोन, ऑर्लॉन, टेफ्लॉन, टायरिलीन। 65. पॉलीविनाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल अल्कोहल, अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटालीन, रिएक्शन ऑफ एसीटालीन विद सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 66. मोनोमर दिया हुआ फार्मूला क्या है? ये 2-मिथाइल प्रोपीन, स्टायरीन, प्रोपिलीन, इथीन। 67. विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ एस्टर लिंकेज? नायलन, बेकेलाइट, टायरिलीन, पीवीसी। रॉ मटेरियल टू फॉर्म नायलन: एडिपिक एसिड, ब्यूटाडाइन, आइसोप्रीन, इथिलीन। वेरी इंपॉर्टेंट। 69. विच ऑफ फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर? स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीस्टरीन, प्रोटीन। 70. ब्यूना एस स्टैंड फॉर? एस में क्या, एस क्या है इसमें? सल्फर, सोडियम, सिंथेटिक, स्टायरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर? बेकेलाइट, पॉलीथिलीन, टेफ्लॉन, पीबीसी। 72. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर? न्यूप्रीन, ब्यूना एस, PMMA, ग्लिप्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73. नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ ट्रांस आइसोप्रीन, सिस आइसोप्रीन, सिस एंड ट्रांस आइसोप्रीन, नॉन ऑफ बब। 74. कैटलिस्ट यूज इन पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑलफिन: जिग्लोनाटा, बिल्किसन, PD, जेसिल साल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डैट। 75. हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज मैन्युफैक्चर्ड, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाया जाता है बाय हीटिंग इथिलीन इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट एट कंडीशन 343 केल्विन, 6-7 ATM प्रेशर, 463 to 1500 ATM, 152 to 200 Kelvin, 1-2 ATM, 763 to 863 to 1200 ATM। बताइए क्या कंडीशंस है। 76. ए पॉलीमर ऑफ प्रोपीन टू ई नाइट्राइल क्या है? नायलोन, ओरेलोन, डेक्रोन, टेफ्लोन। 77. हो टू मेक PVC एज फ्लेक्सिबल प्लास्टिक द एडिक्टिव यूज़?
फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या बनाते हैं? फिल्टर, एंटीऑक्सीडेंट, स्टेबलाइजर, प्लास्टिसाइजर। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज चेन ट्रांसफर एजेंट इन विनाइल पॉलीमराइजेशन। चेन ट्रांसफर का एजेंट कौन है? टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइफिनाइलमाइड, फिनॉल। 79 इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन द एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन पॉलीमराइजेशन टेम्परेचर टाइम, इंक्रीज इन मोनोमर कंसनट्रेशन, ऑल ऑफ अब। 80 टेरिलीन इज मेड ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ टेरिपथैलिक एसिड विद, किसके साथ करके बनाते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल, फिनॉल, इथेनॉल, कैटीचोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 81 ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ ई कैप्रोलैक्टम टू गेट नायलॉन 6 पॉलीमर द टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 523 से 533, 473 से 523, 553 से 573, 273 से 373। बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 मोनोमर यूनिट ऑफ PTFE ABCD कौन सी मोनोमर है इसके? 83 इन द प्रेपरेशन ऑफ नायलॉन फाइबर नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मेक इनर्ट एटमोसफियर, टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, टू डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, नन ऑफ अबव। नायलॉन साल्ट, हेक्सा मिथाइलन डाइअमोनियम एडिपेट, कौन सा फार्मूला इसका? ए बी, देख लीजिए ध्यान से, ए बी, सी एंड डी, बताइए इसमें से नायलॉन साल्ट का फार्मूला क्या है। एंड रिपीट करिए वंस अगेन। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 85। डेकरन फाइबर ब्लेंडेड विद सेलुलोज फाइबर प्रोड्यूसेस टेरिबूल, पेरलोनल, टेरिकोट, रेयन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन 66 आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्यों? ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, क्यों स्ट्रॉन्ग मानते हैं इसको? दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, दे हैव लीनियर मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ वेरी लॉन्ग चेन, दे हैव लीनियर मॉलिक्यूल एंड इंटरलिंक्ड विद फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 87 प्रोपोर्शन ऑफ हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड यूज इन प्रेपरेशन ऑफ नायलॉन 66 कितनी रेशो होती है? 1:2, 1:1, 2:1, 2:3, बताइए। 88 आर्टिफिशियल फाइबर आर ड्रिप ड्राइड बिकॉज दे आर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट अब्जॉर्व वाटर, लूज वाटर इजिली, कैनॉट बिकम वेट विद वाटर। 89 कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर, कन्वर्जन ऑफ मोनोमर टू मोनोमेरिक आयन बाय प्रोटॉन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर जो है किस कैसे स्टार्ट होती है रिएक्शन? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की फर्स्ट क्या रिएक्शन है? पैक्सी ग्लास जो पामा है किसका पॉलीमर है? एक्रेलिक एसिड, मिथाइल एक्रेलेट, मिथाइल मेथा एक्रेलेट, नन ऑफ अबव। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? विस्कोस सिंथेटिक फाइबर, पॉलीसेक्राइड आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन 66 हेट्रोपॉलीमर, नायलॉन 6 इज पेरलोनल। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद भी रखना होगा, काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके। पैमा का आपको पता चल गया, जे पैक्सी ग्लास कहते हैं इसको, तो ये साथ में नोट करते जाइए। नेक्स्ट वी हैव मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। इफ 30% मॉलिकुल्स जो हैं एम जो है 20,000, 40% जो हैं 30,000, रेस्ट ऑफ देम हैव 60,000, तो PDI क्या है? 0.83, 1.5, 9.98, 1.2। जो मैंने मॉलिक्यूल वेट के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया था, तो उम्मीद करता हूँ आपने रिपीट किया होगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। 93 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फॉर नेचुरल पॉलीमर PDI इज जनरली 1, नेचुरल पॉलीमर आर मोर होमोजीनियस देन सिंथेटिक, फॉर सिंथेटिक पॉलीमर PDI जनरली 1, पॉलीमर हुज मॉलिक्यूल्स हैव नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास PDI इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट 94 द नंबर एवरेज मोलर मास ऑफ मास एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर आर रिस्पेक्टिवली 30,000 40,000, तो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो PDI है क्या है इसका? क्या आएगा? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 1 या -1?
95. Calculate the amount of polythene formed from 20 kg of calcium carbide from the reaction. दी हुई है, ध्यान से देखिए तो कितना बनेगा. 28 ग्राम, 6 ग्राम, 9 kg, 64 kg. 96. The mass average molar mass is obtained by measurement of properties such as osmotic pressure, light scattering, vapor pressure, refractive index. तो मास एवरेज किस प्रॉपर्टी से पता चल जाता है पॉलीमर का. सैंपल है पॉलीमर का जिसमें 30% जो है उसमें 20,000 है, 40% 30,000 है, 30% 60 है. तो इसका बताइए क्या आएगा एवरेज मोलर मास क्या आएगा. 36,000, 48,000, 50,000, 25,000. पॉली डिस्पैरिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं. MW, N, NY, W, M into W, W minus M. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान से करिए, ज़रा फार्मूला नोट कर लीजिए. इससे आपको प्रीवियसली न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे. पॉलीमर हैव एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास एवरेज, लो मॉलिक्यूलर मास, एब्सोल्यूट मेल्टिंग पॉइंट. क्या प्रॉपर्टी है पॉलीमर की. एंड द लास्ट वी हैव शॉर्ट टॉपिक, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. विच ऑफ फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल. कौन सा पॉलीमर डिग्रेड हो जाता है. सेलुलोज, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन 6. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग. नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610. ये मैंने करवाया था, देख सकते हो उसमें. पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, जो इंडस्ट्रीज में कौन से पॉलीमर का यूज़ है. पॉलीमर विच इज यूज एज सूचर, जो स्टिचेस लगाते हैं ऑपरेशन के टाइम फॉर स्टिचिंग ऑफ बूंड. कौन सा होता है. PHBV, नायलॉन 2, नायलॉन 6, डेक्सट्रेन, डेक्रोन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछ भी सकता है कोई. नॉन स्टिक कुक बियर, जो नॉन स्टिक अनस्टिल्स होते हैं, जनरली हैव कोटिंग ऑफ, किसकी कोटिंग होती है. देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए, बी, सी और डी. नेक्स्ट 104. ड्रग विच आर टू बी रिलीज्ड इन कंट्रोल्ड मैनर इन द बॉडी आर इन क्लोज इन कैप्सूल मेड ऑफ. ड्रग को स्लो रिलीज के लिए किस कैप्सूल में इनकोड किया जाता है. PGA, PCL, PHBV, नॉन ऑफ बब. सॉफ्ट ड्रिंक एंड बेबी फीडिंग बॉटल किसकी बनी होती है. बेकेलाइड, पॉलीयूरीथेन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE, पॉलीमाइड. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर. नॉन स्टिक कुकवेयर किसके बनते हैं. PVC, पॉलीस्टरीन, पॉलीथिलीन, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन, जिसको टेफ्लॉन भी कहते हैं. 107. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन टायर कोड. टायरिलीन, बेकेलाइट, रबड़, नाइलॉन. टायरी कोड किसके लिए यूज है. टायर कोड जिसको कहते हैं, किस यूज़ किया जाता है, किसको यूज़ किया जाता है टायर कोर में, कोड में. टायरिलीन, बेकेलाइट, रबड़, नाइलॉन. 108. सिंथेटिक ह्यूमन हेयर बिग, जो बिग होते हैं बाल्ड पर्सन लगाते हैं, आर मेड ऑफ द को पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड एक्रोलाइटल. इसको क्या कहते हैं. PVC, पॉली एक्राइल नाइट्राइल, सेलुलोज, डाइनल. क्या कहते हैं उसको. विच पॉलीमर इज जनरली यूज इन मेकिंग कैरी बैग. कैरी बैग किसके बनते हैं. पॉलीएस्टर, बेकेलाइट, पॉलीथीन, नॉन ऑफ बब. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ केमिकल द क्लोथ यूज इज मेड ऑफ. केमिकल फिल्टर करने के लिए किसका यूज किया जाता है क्लोथ. पॉलीमाइड, नाइलॉन, पॉलीस्टर, नॉन ऑफ बब. तो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉक टेस्ट फ्रॉम द टॉपिक पॉलीमर्स. तो वी हैव डिस्कस इन डिटेल एंड थैंक्स फॉर योर हम्बल पार्टिसिपेशन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो. एंड जिन्होंने अभी तक ये पैक्स नहीं लिया अभी ले लीजिए. तो हम सिंपल टॉपिक काफ़ी कर लिए, अब हम इसके बाद डिफ़िकल्ट स्टार्ट करने जाएंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम्प्लीट करेंगे फंक्शन ग्रुप के साथ, और PE एंड डी ब्लॉक भी करेंगे. कुछ न्यूमेरिकल से पार्ट्स हैं वो भी हम करेंगे. तो PDF उनको ही प्रोवाइड किए जाएंगे जिन्होंने पैकेज लिया है. तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग.